दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी अलर्ट गुरु में। दोस्तों बता दें शताब्दी समेत पैसेंजर ट्रेन लोकल ट्रेन चलाने की यहाँ पे रेलवे की तरफ से तैयारी की जा रही है, जिसका लिस्ट भी यहाँ पे रेलवे यहाँ पे जारी कर रहा है कि कौन से यहाँ पे ट्रेनें चलेंगी। दोस्तों सारा डिटेल आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आपको अंतिम तक जरूर देखना होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरकारी अलर्ट गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें सारे अलर्ट सबसे पहले। आज का ही लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे, आपको बता दें कि शुरू होगी मुंबई लोकल। शुरुआत के सिर्फ इन्हें यहाँ पे मिलेगा यात्रा करने की इजाज़त। आपको दोस्तों बता दें महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना लॉकडाउन के अगले सप्ताह से लोकल ट्रेन, मुंबई लोकल ट्रेन की सुविधा यहाँ पे की जा सकती है। शुरुआती तौर पर यह सुविधा सिर्फ यहाँ पे जरूरी सेवाओं को लगे लोगों के लिए। यहाँ पे रेलवे ने यहाँ पे राज्य में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग परिसर की मांग की है। यहाँ पे दोस्तों बता दें कि कोरोना के लॉकडाउन से वजह से यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे मुंबई लोकल यहाँ पे ठप है। यहाँ पे आपको दोस्तों बता दें, देख सकते हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ी मुंबई लोकल अगले सप्ताह फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि यहाँ पे शुरुआती तौर पर यहाँ पे सिर्फ जरूरी सेवाओं यहाँ पे लगेंगे। और दोस्तों क्या अपडेट, मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली मुंबई लोकल को शुरू करने की रेलवे ने राज्य के यहाँ पे SOPD यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग यहाँ पे परिसर मांग की है। उम्मीद है कि रेलवे यहाँ पे राज्य में रेलवे के उन लोगों की एक सूची देगा जिन्हें सेवा का उपयोग करने की अनुमति होगी। यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक लोकल ट्रेन में सिर्फ बड़े स्टेशनों पर रुकने की यहाँ पे इजाज़त होगी। और दोस्तों क्या है अपडेट, ये तो हो गया मुंबई लोकल की तरफ से अपडेट कि यहाँ पे अगले सप्ताह से यहाँ पे चालू किया जा सकता है मुंबई लोकल कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड टर्म कंडीशन के साथ। साथ साथ दोस्तों आज आपको यही बताएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन फ्रॉम भोपाल यहाँ पे 25 जून के बाद यहाँ पे दौड़ सकती है शताब्दी, रेलवालचर और ओवरनाइट एक्सप्रेस। दोस्तों बता दें आज का ही लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे, आपको बता दें 3 ट्रेनों का सबसे ज़्यादा मांग रेलवांचल एक्सप्रेस की है। यह हबीबगंज से रीवा के बीच यहाँ पे चलती है जो लॉकडाउन के बाद से बंद है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे की यहाँ पे डिमांड आ रही है बहुत सारी ट्रेनों की, तो साथ साथ रेलवे भी तैयारी कर रहा है कि यहाँ पे 25 जून से इन ट्रेनों को हम यहाँ पे चला देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर शताब्दी, रेलवांचल और ओवरनाइट एक्सप्रेस 25 जून के बाद दौड़ सकती है। इन ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव भोपाल रेल मंडल के जोन को भेजा गया है जो कि यहाँ पर रेलवे बोर्ड तक पहुँच गया है। इस पर 20 जून तक निर्णय संभव है और 25 जून तक ट्रेनों में चलाई जा सकती है। इन तीनों ट्रेनें सबसे ज़्यादा मांग रेलवांचल एक्सप्रेस की है। यह हबीबगंज से रीवा के बीच यहाँ पे चलती है जो लॉकडाउन के बाद यहाँ पे बंद है। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट, यहाँ पे 3 ट्रेनें और यहाँ पे चल सकती है जो कि यहाँ पे बहुत ही डिमांड आ रही है आपको यहाँ पे। और क्या है अपडेट, आपको बता दें कि यहाँ पे यह काम यहाँ पे कम एक दूसरे से शहर पहुँचाती है, इसलिए ट्रेन की मांग है। हालांकि शुरुआत में 100% यहाँ पे यात्री मिलना संभव नहीं है, यहाँ पे फिर भी रेलवे ने यहाँ पे मंजूरी देता है तो ट्रेन चलाया जा सकता है। और यह ट्रेन उत्तर रेलवे से दिल्ली मुख्यालय की है। तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे आया है, यहाँ पे बहुत ही जल्दी तीनों ट्रेन जो है यहाँ पे, आपको बता दें कि यहाँ पे रेलवांचल ओवरनाइट की मांग है। यहाँ पे भोपाल से इंदौर के रास्ते बीच ये ट्रेनें चलती हैं, जबकि जबलपुर से भोपाल के रास्ते इंदौर के बीच चलने वाली ओवरनाइट की मांग है। और दोस्तों क्या है अपडेट, आपको बता दें कि यहाँ पे मुंबई से अमृतसर के बीच यहाँ पे चलने वाली इन ट्रेनों का रूट बदला, जानिए क्या है नया टाइम टेबल। तो दोस्तों बता दें जैसा कि यहाँ पे जीरो बेस्ड टाइम टेबल रेलवे यहाँ शुरुआत कर रहा है, एक यहाँ पे जुलाई से सभी ट्रेनों का यहाँ पे जो ट्रेन का यहाँ पे टाइमिंग है नए सिरे से टाइम टेबल हर एक ट्रेन का यहाँ पे जारी करके रेलवे धीरे धीरे इसने यहाँ पे काम यहाँ पे शुरू कर दिया। आपको दोस्तों बता दें भारतीय रेलवे ने बांद्रा टर्मिनल से अमृतसर के बीच चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस यहाँ पे स्पेशल रूट का बदलाव करने का ऐलान किया है। ट्रेन नंबर यहाँ बता दें 0 यहाँ पे 29 25 और 29 26 बांद्रा टर्मिनस यहाँ पे अमृतसर के स्पेशल ट्रेन का बांद्रा पे यहाँ पे 5/10/2020 में बदलाव किया गया था, वही अमृतसर से यहाँ पे 7/10/2020 से यहाँ पे बदलाव होगा। तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट ये दोस्तों, देख सकते हैं इसका बदलाव का यहाँ पे 5/10 से ये ट्रेनें यहाँ पे इस समय सारणी पे देख सकते हैं इसके हिसाब से चलेगी। और साथ ही साथ यहाँ का अप है, यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे कुछ बातों का यहाँ पे रखना है ध्यान। आपको दोस्तों बता दें पश्चिम एक्सप्रेस के रूट में बांद्रा टर्मिनस अंबाला छावनी के बीच समय और स्टॉपेज में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह रेलगाड़ी बांद्रा टर्मिनस और यहाँ पे अंबाला छावनी के बीच अपने मौजूदा रूट और टाइम टेबल के मुताबिक चलेगी। तो देख सकते हैं कुछ यहाँ पे रूटों में यहाँ पे बदलाव है, कुछ यहाँ पे बदलाव नहीं है, इसी के हिसाब से सारी ट्रेनें यहाँ पे चलाई जा रही।
और देख सकते हैं पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से यहाँ पे भोपाल मंडल से चलने वाली गुजरने वाली ट्रेनों की गाड़ियों का लिए लिस्ट है। यहाँ पे दोस्तों बात करें लिस्ट की तो यहाँ देख सकते हैं हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन यहाँ पे शेने भोपाल एक्सप्रेस, यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन से हबीबगंज यहाँ पे शेने भोपाल एक्सप्रेस यहाँ पे अप डाउन दोनों दिखा रहा है। यहाँ पे गोरखपुर यहाँ पे LTT एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन इरनाकुल प्रतिदिन, ये सारी लिस्ट जो है यहाँ पे रेलवे यहाँ पे जारी कर रहा है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हजरत निजामुद्दीन कोटा, यहाँ पे मुंबई सेंट्रल जयपुर, जयपुर एक्सप्रेस प्रतिदिन चले, ये सारी ट्रेनें दोस्तों हैं यहाँ जो कि यहाँ पे चलाई जा रही हैं रेलवे की तरफ से। सारा लिस्ट हमने आपको बता दिया, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। ऐसी दोस्तों पल पल की अपडेट पाते रहने के लिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, और ऐसी पल पल की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें, आपको मिलती रहें, आपको सुविधा यहाँ पर कोई भी असुविधा ना हो, सुविधा होती रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए अपडेट के साथ। रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो कर दे लाइक।